हेलो फ्रेंड, वेलकम टू गामा कैरे क्लासेस। आज आपको हम ये कोऑर्डिनेटिक ज्योमेट्री के बारे में बताएंगे। इसके जो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है इस वीडियो में उसकी क्या कराएंगे, प्रूविंग कराएंगे। ठीक, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक, मैं स्टार्ट करता हूँ टॉपिक को। पहले इसमें क्या करते हैं, डिस्टेंस का जब फॉर्मूला बनाना होता है इसमें क्या होता है, पहले मैं बता देता हूँ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। इसमें ये एक्स एक्सिस होता है एंड ये क्या होता है माइनस एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस का होगा ये वाई होगा एंड ये क्या होगा वाई डैश। ये वाला क्या होता है निगेटिव और ये वाला पॉजिटिव। इसमें क्या होता है, ये वाला क्या होता है पॉजिटिव एंड ये वाला निगेटिव। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले एक हम डिस्टेंस का फॉर्मूला निकालने के लिए कोई हम पॉइंट को लेट कर लेंगे। ठीक, इसमें हम क्या करेंगे, पहले एक हम परपेंडिकुलर डालते हैं, ये परपेंडिकुलर हमें डाला। ठीक, इसमें दो परपेंडिकुलर डालेंगे क्योंकि डिस्टेंस निकालेंगे तो कभी भी दो पॉइंटों के बीच में निकालेंगे। ठीक, एक को हम थोड़ा सा क्या करते हैं लंबा रखते हैं परपेंडिकुलर। ठीक, इसको हम लेग कर लेंगे, इसको लेग करेंगे पी एंड इसको इसको ऐसे बना लेंगे ट्रेंगल यहाँ पे बना लेंगे। ठीक, इसको क्या लेग करेंगे क्यू एंड इसको क्या लेग करेंगे आर, इसको क्या लेग करेंगे एस। देखिए हमने नाम जो लेट किए हुए हैं यहाँ पे कोई भी चेंज हो सकता है, मतलब चेंज कर सकते हैं इसमें हम। यहाँ पे जैसे आप पी लिखा है तो यहाँ पे कोई कंपलसरी नहीं है कि यहाँ पे हमको पी लिखना है या आर लिखना है या एस लिखना है या क्यू लिखना है। ठीक, इसमें हम कोई भी अपने अकॉर्डिंग को लेट कर सकते हैं पॉइंट को। अब हम क्या करेंगे, लेट करेंगे पॉइंट क्यू इक्वल टू, पहले पी एड करेंगे क्या एक्स वन कॉमा वाई वन एंड इसी तरह हम लेट करेंगे सेकेंड पॉइंट क्या एक्स टू कॉमा वाई टू। ठीक, अब हम इसको थोड़ा सा स्टेटमेंट लिख देते हैं, लेट नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। क्या लेट किया हमने पॉइंट्स, पॉइंट पी लेट किया पी एक्स वन कॉमा वाई वन एंड क्यू लेट किया क्या हमने एक्स टू कॉमा वाई टू। मैंने क्या लिखा, नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, पी लेट किया क्या मैंने एक्स वन कॉमा वाई वन एंड क्यू लेट किया क्या एक्स टू कॉमा वाई टू। ठीक, ये हमने फिगर में शो भी किया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम लिख लेंगे, अगर यहां से ये पॉइंट जीरो है, जीरो से एस की डिस्टेंस क्या होगी एस टू होगी एंड ये क्या होगी एक्स वन होगी। अगर इसको हम क्या लिखते हैं, ओ आर एस इक्वल टू क्या होगा एक्स वन एंड ओ एक्स इक्वल टू क्या होगा एस टू। ठीक, क्या हमने लिखा, जो हमने ये डिस्टेंस लेट की हुई थी ओ एस से क्या होगी डिस्टेंस एस टू होगी, ओ आर से डिस्टेंस क्या होगी एक्स वन होगी, वो हमने यहाँ पे लिख दिया है, सारा पॉइंट लिख देता हूँ। एंड इसी तरह इस पे भी क्या होगा एस टू क्यू क्या होगी एस टी इक्वल टू क्या होगी एक्स वन वाई वन सॉरी वाई वन एंड टी टू क्यू क्या होगी वाई टू। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अगर हम इस पे आर एस की केवल वैल्यू निकालें, यहाँ पे यहाँ जीरो ओ से एस की डिस्टेंस क्या होगी एस टू एंड आर एस के हम जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगी, आर एस की डिस्टेंस होगी एस टू माइनस एक्स वन। ठीक, इसी तरह क्या होगा, इसमें हम निकालेंगे तो क्या होगी क्यू टी की डिस्टेंस क्या होगी वाई टू माइनस वाई वन। ठीक, हमने क्या किया, पहले हमने लेट किया फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स पी एंड क्यू। ठीक, उसके हमने एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू लेट किया, उसके बाद हमने सारी जो डिस्टेंस थी उसको हमने लिख दिया यहाँ पे फिगर में भी लिख दिया है, जिसको हमने लेट भी कर दिया। ट्रायंगल पी क्यू टी में, पी क्यू टी में क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन प्लस क्या होती है बेस। ठीक, तो हम लगाएंगे
इसमें क्या होगा, पेपेंडिकुलर हाइपोटेनस पी क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू पी टी का होल स्क्वायर प्लस क्यू टी का होल स्क्वायर। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसमें पी क्यू पी टी एंड क्यू टी की क्या रखेंगे, वैल्यू रखेंगे। इधर हमने ये क्या कर रहा है, यहाँ पे होगा एस होगा, सॉरी, ठीक, यहाँ पे एस होगा यहाँ पे, क्योंकि ये पूरी यहां से डिस्टेंस दी हुई है, कितनी एस टू क्यू वाई टू दी हुई है, एंड एस टी, एस से टी कितनी दी हुई है, एस से टी दी हुई है वाई वन। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में वैल्यू को रखेंगे तो वैल्यू क्या होगी, पी क्यू क्या होगी हमारी, पी क्यू होगा हमें डिस्टेंस जो निकालनी है, यानी पी क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू पी टी, पी टी हमारी क्या होगी, पी एंड टी क्या होगी, एच टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस एंड क्यू टू क्या होगी, वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसको हम पी क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, रूट में एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। ठीक, ये हमारा क्या, डिस्टेंस का फॉर्मूला निकल रहा है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगी, रूट में एच टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी एक्स वन माइनस एक्स टू करके लिख दें, क्योंकि कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा, टोटल होल स्क्वायर लगा हुआ है। इस पर भी हम क्या कर सकते हैं, वाई वन माइनस वाई टू भी कर सकते हैं, इसका पूरा होल स्क्वायर लगा हुआ है, तो उस पर आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको, ये फॉर्मूला की प्रूविंग आपको समझ में आई होगी। अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।